नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर नैन आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम सुंदर नैन है। दोस्तों आज एक गंभीर टॉपिक है जिसका नाम है स्वप्न दोष। जिन पुरुषों में ये दिक्कतें होती है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है युवा अवस्था में। खासकर ये दिक्कतें होती है जब कोई भी लड़का जस्ट किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, तो दोस्तों उस समय ये दिक्कतें आमतौर पर हो जाती है और इस एजुकेशन के बारे में लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता और वो काफी शर्माते हैं, काफी गिल्टी फील करते हैं, ना किसी को बता पाते हैं। तो दोस्तों ये वो अपने अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और उनको इसके कारण कमजोरी आती है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, खुद से आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आपके हाथ में आपका आरोग्य है, वो ऐसे कौन सी जादुई पॉइंट है जिससे आप समस्या से निदान पा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या आपको है और आप इसका निदान ढूंढ रहे हो, खूब सारे आपने वीडियो सर्च किया और कहीं भी इसका निदान नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपके किसी नियर एंड डियर को हो सकता है जो संकोचवश डॉक्टर के पास नहीं जा पाता हो, या अपने अंदर ही उसको कमजोरी महसूस होती हो, या आत्मग्लानी महसूस होती हो, या गिल्टी महसूस होती हो। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल 101% जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आप उस समस्या से कभी निदान पा ही ना सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्वप्न दोष के बारे में। दोस्तों ये जैसी युवा अवस्था आता है तो हार्मोन चेंज होते हैं, ठीक है, बच्चों के मूंछ दाढ़ी ये सब पनपते हैं, तो उस दौरान जो सेक्स हार्मोन है वो काफी डेवलप होते हैं। सेक्स हार्मोन के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिन्हें कहते हैं पुरुषों में, तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही पीक पे आता है तो कामेच्छा भी जागृत होती है। और अब के जो चलन है जिसमें युवावस्था में प्रवेश करते ही लोगों के अंदर जो कामुक विचार आते हैं, तो उस दौरान कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है युवावस्था में, उसके कारण भी आपका जो अगर जो वीर्य है वो पतला हो जाता है, और एक्सेस वीर्य पतला होने के कारण आपके शरीर में यानी पेट में हीट भी ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा हीट होने के कारण क्या होता है कि स्वप्न दोष होने लगता है रात को। और दोस्तों ये स्वप्न दोष की एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में क्या है कि मरीज या वो जो पीड़ित युवक होता है वो किसी को बता नहीं पाता, वो संकोच फील करता है, अपने माँ बाप के सामने वो शेयर नहीं कर पाता, यार दोस्तों को बताते हुए भी शर्म महसूस करता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में क्या है कि लोग किसी के सामने डिस्कशन करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं भी काफी संकोच फील कर रहा था, क्योंकि क्योंकि मेरे वीडियो काफी लोग काफी महिलाएं भी देखती हैं, जिनमें वो कई हमारी बहनें भी होती हैं और मां समान भी होती है, तो मैं काफी संकोच फील कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर ये दिक्कत अगर मैं संकोच करूंगा तो काफी ऐसे युवक जिनको ये दिक्कत है वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा जादुई पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, साथ में लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा जिस युवक को ये दिक्कत थी उसको मैंने कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए और कौन सी ऐसी दवाइयां दी जिससे उसको वो ठीक हुआ, तो आप लाइव डेमो देखिए। आइए वीडियो में चलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है एक गंभीर समस्या जो युवावस्था में एक आम चीज है, लेकिन शर्म के मारे या संकोच के मारे इस विषय पे कोई खुलकर डिस्कशन नहीं कर पाता। तो ये एक हमारे युवा पीढ़ी के मित्र हैं, इनको ये दिक्कत हुई थी स्वप्न दोष की। उम्र है इनकी कितनी उम्र है? 20 साल इनकी उम्र है दोस्तों, और इसको स्वप्न दोष की दिक्कत थी काफी टाइम से और ये बता नहीं पा रहा था। तो इसका एक कजन गुरु है, वो मेरे दोस्त ही है, उसने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और इसको स्वप्न दोष की ज्यादा दिक्कत है। तो फिर मैंने उनसे पूछा आपको क्या दिक्कत है, तो फिर उन्होंने बताया कि आपको स्वप्न दोष कितने दिन में होता था? डेली, मोस्टली ज्यादातर डेली होता था। डेली? और मतलब कैसा फील होता? कमजोरी आ रही थी? कमजोरी ज्यादा आने लगती थी, पैरों में दर्द होता था, हाथों में। दोस्तों मेनली क्या है, अगर स्वप्न दोष होता है तो उसमें कमजोरी आना लाजमी है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। अगर महीने में 2 या 3 बार अगर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हर दूसरे तीसरे दिन अगर स्वप्न दोष होता है तो वो एक बीमारी है और बीमारी का इलाज कराना जरूरी है। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है और बड़े बड़े लोग इसके लिए बैठे हैं, सेक्स दवा खाना पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हैं, और वो महंगी महंगी दवाइयां, और पता नहीं उनके ये दवाई देंगे वो दवाई देंगे, और उससे लोगों का आराम मिलता भी है नहीं भी मिलता ये खुल के नहीं कह जा सकता। लेकिन दोस्तों मैं उसके बारे में आपको आपके हाथ में वो पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे अगर आप किस प्रकार की कोई दिक्कत है
तो वो आपकी वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैंने इस भाई का पहले इलाज किया था और पहले इलाज करने के बाद मैं इसका रिव्यू आज मैं इसको लेके आया हूँ। वो दोस्तों इलाज क्या है आप देखिए, मैं पहले ही बताता हूँ, हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो इनका तेज तत्व है अग्नि तत्व है, पेट में एक्सेस हीट होने के कारण, अधिक गर्मी होने के कारण दोस्तों ये स्वपन दोष टाइप की बीमारियां होती है। ठीक है, वीर्य पतला हो जाता है या युवा अवस्था में किसी गलती के कारण भी वो वीर्य पतला हो जाता है, जिसके कारण ये दिक्कतें होती है। दोस्तों फिर मैंने इनका जो इलाज किया था वो ये पॉइंट पे किया था, ये देखिए, ये आप अगर ये जो अग्नि तत्व है इसको तीन भाग में डिवाइड कीजिए, ये आपका हेड का हिस्सा, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो है आपका धड़ का हिस्सा, यहां से नीचे का जो हिस्सा है वो है टांगों का हिस्सा। तो दोस्तों मैंने इनके जस्ट पेट पे एक पॉइंट बांधा यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बांधा, ठीक है, वो लगातार इनको मैंने बांधा और बांधने के बाद इनको 10 से 15 दिन तक एक बार भी स्वपन दोष नहीं हुआ, एक बार तो इनको 26 दिन तक स्वपन दोष नहीं हुआ। तो दोस्तों वो पॉइंट बांधा और उसको मैंने दवाई दी, वो आयुर्वेदिक दवाइयां मैं खुद बनाता हूँ, खुद प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर जो अभी चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो ये स्विच बोर्ड है हमारे हाथ का, अगर आपको सही प्रकार से पॉइंट दबाना आ गया और वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, इसके अलावा और भी अगर कोई पॉइंट होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों जैसे कि मैं फरीदाबाद में रहता हूं और अगर आप मेरे पास आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको वीडियो कॉल जो कि कॉल मी फॉर एक ऐप है वहां पे जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसकी आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं भी संकोच कर रहा था बताने में, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी देखती है मेरे इस वीडियो को और बहुत सी बहनें भी देखती हैं, तो मैं भी संकोच कर रहा था कि किस प्रकार से इसको बताऊं, लेकिन फिर भी आज मैं हिम्मत करके बता पा रहा हूं। इसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस ठीक किए हैं, मुझे खुद तो आश्चर्य होता था कि यार ऐसे पॉइंट दबाने से कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी जो मेरे सामने रिजल्ट आया है आप लोगों का आशीर्वाद है। तो आज अगर किसी को इस प्रकार की अगर मेडिसिन भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, आयुर्वेदिक में खुद बना के देता हूं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके वो ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने एक वीडियो देखा, लाइव वीडियो देखा, जिस प्रकार से वो युवक को इस प्रकार की दिक्कत थी, दोस्तों जब मैंने उसका इलाज किया और उसको आराम मिला तो एक बार तो मुझे भी यकीन हुआ, क्योंकि देखो बताना एक अलग बात है लेकिन अगर प्रैक्टिकल उसमें आराम मिलता है तो वो एक दूसरी बात है। तो दोस्तों मेरा जो कॉन्फिडेंस यानी मेरा जो आत्मविश्वास जो बढ़ता है वो आपके फीडबैक से बढ़ता है। अगर कस्टमर को आराम मिलता है तो मेरा भी हौसला दुरुस्त होता है कि हाँ इससे लोगों को आराम मिल रहा है, तो इसको जरूर शेयर किया जाए। तो दोस्तों उस बंदे को ये दिक्कत सही हुई और भी काफी लड़कों को इस प्रकार की दिक्कत सही हुई, तो मैंने सोचा लाइव डेमो डाल दिया जाए। और इसके पीछे आधार क्या है वो यही है कि पृथ्वी, हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसके पेट में एक्सेस गर्मी थी वो पॉइंट दबाया और उसके पेनिस वाले पॉइंट पे मैंने वो बांधा पॉइंट। तो दोस्तों जैसे उसको वो दिक्कत थी, इवन एक बार तो उसका कहना था कि भैया मेरे पॉइंट हट गया था वहां से, चुम्बक जो मैंने बांधी थी वो हट गया था, तो उसको नाइट फेल हुआ, तो उसने फिर वो रेगुलर बांधी और उसको जो मैंने दवाई दी थी उससे उसको आराम हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार की दिक्कत अगर आपको भी है तो आपको वो मैं पॉइंट आप जो देख रहे हैं वो भी बता दूंगा, और इससे एक्स्ट्रा अगर कुछ और भी अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो अगर आप दवाइयां जो मैंने उसको दी थी आयुर्वेदिक दवाइयां, वो मैं खुद बनाता हूँ, वो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप वहां पे बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा कॉल मी फॉर एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, वहां पर मेरी आईडी है sundarnain@cm4, वहां पर जाकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त जानकारी थी, अगर आपके नियर डियर या किसी फ्रेंड को इस प्रकार कोई दिक्कत है तो आप मुझसे निसंकोच व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल मी फॉर ऐप पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की गंभीर समस्याओं के बारे में हमारे इंडिया में कोई एजुकेशन सब्जेक्ट भी नहीं है, ना ही कोई किसी को बताता है, और बताने के नाम पे हजारों रुपए लूट भी लेते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा मैजिक पॉइंट, क्योंकि आपने मेरे और भी वीडियो देखा होगा कि पेट का दर्द कैसे लोगों का ठीक हुआ और पथरी का दर्द कैसे लोगों का ठीक हुआ, तो ये एक आप कह सकते हैं जादू भी है, मैजिक भी आपके हाथ में है जो। और दोस्तों आगे भी इससे संबंधित और भी इस प्रकार के वीडियो मैं लाऊंगा, सेक्स संबंधित भी ला सकता हूँ,
हालांकि संकोच करते करते मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्स संबंधित अगर किसी प्रकार की किसी महिला या पुरुष को कोई दिक्कत होगी तो वो वीडियो में भी मैं आगे आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों अंत में विदा लेते रहते आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जो दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।